करूं या तो बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ा हाथ मारने का इरादा है थारा, पर मेरे तो घबराहट सी हो रही, मेरा बीपी लो हो रहा है। नहीं, बीपी कहां लो हो रहा, एकदम ठीक है, घबराहट भी ठीक है, चलो। खुश है सब, ये घर आपका है? हाँ जी। बिजली का मीटर किधर है आप? जी उस तरफ है। और पानी का? वो भी उधर ही। अच्छा, उधर लगा हुआ है, ओके। कितने किलोवाट का है? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट? व्हाट, इतना बड़ा घर और 2 किलोवाट पे चला रहे हो तुम? लेकिन तुम हो कौन? इतने एसी, इतने पंखे, 2 किलोवाट से चला रहे हो तुम? लेकिन आप हैं कौन? अभी बताऊंगा मैं तुम्हें कौन हूँ, जब मैं बताऊंगा तुम्हें कि 2 किलोवाट से तुम बिजली चला रहे हो। जाइए जरा इनके मीटर चेक कीजिए। ओके। और अच्छे से चेक करना। ओके, बिल्कुल ध्यान से। कोई शक? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, कुछ बच ना पाए। यस। मम्मी पापा जी, हम लोग तैयार हैं। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। अच्छा मम्मी, मैं गॉड ब्लेस यू सन। हाँ बेटा, देख मैंने गाड़ी में बेसन के लड्डू रखे हैं, तुम भी खाना और बहू को भी जरूर देना। हाँ हाँ, आप चिंता अपना ध्यान रखना, ठीक है? आप अपना ध्यान रखिए, हमारी चिंता मत करिएगा, मैं पहुँचते ही फोन कर दूंगा। अच्छा पापा जी नमस्ते। गॉड ब्लेस यू बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा। और आप दोनों भी अपना ख्याल रखना। हाँ पापा, आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल रखेंगे। नमस्ते। मैंने सब जगह चेक कर लिया, बहुत माल है, बुढ़ा बुढ़िया के लिए है घर में, कर दे काम। कौन लोग हैं ये? मुझे भी नहीं पता ये कौन है। एक बात बता, हम यहाँ क्यों आए थे? क्यों आए पता नहीं। आए थे, मेरा मतलब है बिजनेस करने आए थे। अब नहीं कर सकते कुछ? कैसी बात। अरे भैया, आप हैं कौन? क्या बात है? वो मिस्टर ये जो हम आए थे, वो जो हम आए थे यहाँ पे चेक इन करने, वो जो हम आए थे चेक इन के लिए, वो गलत नंबर लग गया है आपका। ये जो चेक इन होनी थी आपका मकान नहीं था, सॉरी। ठीक है। क्या कर रहा है तुमने? कर दिया ना सारा नाश। हाँ, सारा नाश हो गया। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, नाश कर दिया सारा। लूट के लेगी, जालिम लूट के लेगी। फिर तो हो गया ना, अब आगे क्या करना है? अब देखता जा तू मैं क्या करता हूँ। सही कह रहा है, अब यो कर दिया तन्ने, आगे देखे क्या करे। अब तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। चलो। विजय। हाँ भाई। तू ये जीप देख रहा है? या मिलिट्री कलर से वाली यार, ये पसंद आ रही। कैसी बात कर रहे, पिछली बार तुम कार का ट्रायल लेने चले गए थे, लोगों ने बहुत मार दी थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे यार, चल ट्रायल तू ले लेना। हाँ, ट्रायल मैं लूंगा और तुम यहाँ बैठियो। पर ट्रायल में कहाँ ले सकूं, मेरे को तो आती नहीं चलानी। ठीक है, तो फिर तो ट्रायल मुझे ही लेना पड़ेगा ना। पर मेरे बारे में कुछ सोचो करूंगा नहीं, मनी बांटने का कतई भी। चलो कुछ और सोचते हैं। कुछ और? हाँ पक्का। हाँ कभी ऐसा ना हो तुम ट्रायल लेने चले जाओ, अरे मेरा ट्रायल ले ले यहाँ। अरे यार घबरा मत की बात। गाड़ी तो बहुत बढ़िया आया है। एकदम मस्त। ये हो किसकी सकती है? वे बैठे काला सा चश्मे वाला, सफेद सी शर्ट वाला, हो सकता है उनकी हो। अच्छा पूछ है। चल चल।
ये गाड़ी किसकी है? बाबूजी की है। हम खरीदना चाहते हैं इसे। हमें बेचना नहीं है। ए जी, हमें बेचना नहीं है, बोलिए क्या बात है? हम खरीदना चाहते हैं इसे। नहीं भाई, हम इसे नहीं बेचनी है। लेकिन मुझे कोई भी चीज पसंद आ जाए, मैं किसी भी कीमत पर खरीदनी चाहता हूँ उसे। आप बताइए क्या कीमत है इसकी? कितने का लोगे? कितने पैसे दोगे? आप बताइए क्या कीमत है इसकी, जो आप कहेंगे। कहो तो मैं पेमेंट कर देता हूँ, बाद में ले जाएंगे गाड़ी, जो आप चाहें। ठीक है जी। ठीक है, तो मैं जरा इसे स्टार्ट करके देख सकता हूँ? ठीक है, देख लो। अच्छा ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। आपका कोई शख्स यहाँ रहेगा या दोनों ही जाओगे? नहीं नहीं, मैं सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बैठा है ना यार। तो चाबी, ये लो चाबी। मैं ट्राल लेकर आता हूँ, तो ये भाई है अपना, बैठा है। गुरु, भाई साहब मोमो खाओगे? मोमो नहीं जी, अभी इच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, जूस पियोगे? जूस नहीं जी, नहीं, हम पिला देंगे आपको। हैं आपको। अजी नहीं, गाड़ी हम खरीद रहे तो हम पियावेंगे, और पियावेंगे क्या, हम ले का आवेंगे। अनार का लाऊ, मौसमी का, जो आप जो इच्छा हो, जो मेरी इच्छा हो, पीना पड़ेगा देख लो, सीधी बात है। पी लेंगे। हाँ ठीक है, मैं लेकर आ रहा हूँ, बैठे रहो। अच्छा जी, दो ले आऊं? दो। हाँ जी ले आओ, दो दो ले आओ, अपने पैसे से ला। हमारा हाँ। क्या है? ओए कहाँ फंस रहा है दे गुरु, अब भाग लो बेटे, आज तो बच गया बस, ये भगवान बच गया। गुरु है तू? हाँ मैं, तुम तो फसाए थे वहां से जूस के बांधने भागा। आए आए, बीपी लो हो गया था, आ जा पड़ गई थी। अरे विशेष। हाँ जी। एक घंटा हो गया है, गाड़ी भी नहीं आई अभी, जूस वाला भी ना आया, ना वो गड्डी वाला आया, पता कर भाई जूस वाले के पास जाके। चलो देखता हूँ, देखना क्या इसमें, अब तो थाने जाना पड़ेगा। गाड़ी तो गई, इतनी देर हो गई तो फिर चलो भाई। चलो चलो। आज काफी दिनों बाद कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ कुछ फ्री सा लग रहा है। अभी आपको ऑफिस से फोन आ जाएगा और आप फिर बिजी हो जाओगे। काम तो करना पड़ता है, काम भी तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, कहो तो छोड़ दो। मैंने काम छोड़ने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन काम के साथ साथ फैमिली भी तो होती है ना, उसे भी तो टाइम देना चाहिए। दे तो रहा हूँ देवी जी। अच्छा मुझे सब पता है, यहाँ पे आप मम्मी पापा के कहने पे आए हो, वरना आपने कभी कहा है खुद चलने के लिए मुझे? अच्छा तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? वक्त आने दो, मैं बता दूंगा तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छा जी, वैसे आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए, जरा हमें भी तो बता दो। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अच्छा जी, आप इतने रोमांटिक हैं, हमें तो पता ही नहीं था। मुझे लगता है तुम मेरी बातों को मजाक में ले रही हो, पर चलो कोई नहीं, जब टाइम आएगा तो प्रूव भी कर देंगे। बस बस रहने दीजिए, हमारे लिए ना आपकी जान बहुत कीमती है, और वैसे भी आप जैसे हो ना, हमें तो वैसे ही पसंद हो। यार मेरा कुछ सर भारी भारी सा लग रहा है। सर भारी तो हो गई आपका, चश्मा का है? ओह, आप चश्मा लगाओ अभी। सॉरी सॉरी वरी नहीं, चश्मा लगाओ। अब ठीक है।
जहाँ घूम के अच्छे से पहुंच दो। हाँ ये बात हुई ना, लगना चाहिए कि आप मेरी बीवी हो। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं, देखता हूँ अभी। गाड़ी में हो क्या गया, खराब कैसे हो गई अचानक? ये तो हीट हो गई। पर गाड़ी कैसे खराब हो सकती है, ये तो नई गाड़ी है। मैं पानी लेकर आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है। पीछे देख। अबे साले एक दिन मरवा होगा तू मुझे। हम आपके कुछ काम आ सकते हैं क्या? हमारे काम? मुझे तो लगता नहीं कि आप किसी काम भी आ सकते हैं। कई बार जो लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो लगता नहीं है। हमारी शक्ल पे मत जाओ। अच्छा, आप गाड़ी के बारे में कुछ जानते हैं? हम सिर्फ जानते इन पहाड़ियों के बारे में या गाड़ियों के बारे में। आइए फिर जरा हम भी देखें आप क्या कर सकते हैं। बड़ा गर्मा रही है। आप कुछ कर भी पाएंगे? आपको सेटिस्फाई कर सकता हूँ। मतलब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगी ना? ओह अच्छा, लेकिन गाड़ी बहुत गर्मा रही है। मेरा हाथ लगेगा तो आप कहेंगी कि ये शर्मा रही है। अच्छा आप भी कुछ कर सकती हैं क्या? क्या? मार दीजिए सेल्फ गाड़ी में। अरे वाह, आपने तो सचमुच गाड़ी ठीक कर दी। मैं सचमुच ही कर देता हूँ। रियली? वैसे आप करते क्या हैं? दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। वैसे आप अकेली जा कहाँ रही हैं? मैं अकेली नहीं हूँ। क्या हुआ निकी? कुछ नहीं वैभव, इन्होंने हमारी गाड़ी ठीक कर दी है। आपकी तारीफ? माय नेम इज अजय, और जब मैं किसी को देखता हूँ तो रोक नहीं पाता। क्या मतलब? मतलब मैं किसी को परेशान देखता हूँ तो उसकी मदद करने से रोक नहीं पाता। ओके, हुआ क्या था गाड़ी में?
गाड़ी का और अनाड़ी का कुछ पता नहीं होता कब बिगड़ जाए। वैसे इसके रेडिएटर के फैन की जो क्लिप थी वो हटी हुई थी, वो मैंने लगा दी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके मिस्टर। अजय, अजय रत्तेवाल नाम है मेरा, बताया था मैंने। चले। रैम के होया? कुछ चीजों को तो ऊपर वाला बड़ी फुर्सत से बनाता। क्या बात, तेरी बिल्कुल ठीक है। बनाता है फुर्सत से, ये बात तो ठीक है, पर बना के हमें दिखा दे ये बात बर्दाश्त नहीं है। इसका दिमाग घूम गया दिखे। ओ भाई, ये शायरी बंद कर दे, चल। और तू कहता हो मैं चलाऊं, और तुझे पता गाड़ी मेरे पे चलानी नहीं आती। हाँ पता है, और तेरी ड्राइविंग में मरने से बेहतर है मैं खुद ही चला लूंगा। चलो। सुनो ना, कहीं पे चाय की दुकान आएगी ना तो रोकना, चाय पियेंगे। ठीक है, कहीं दिखती है तो मैं रोकता हूँ। कोई अच्छी सी जगह रोकना जहाँ पे एकदम मस्त सा व्यू हो और मजा आ जाए चाय पीने का, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आप थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं, अभी मैं इतना नहीं थका हूँ। वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। धर्मेंद्र की डांट, धर्मेंद्र की। हाँ। अरे वैभव, वो लोग भी हैं यहाँ पे। हाय। हाय। गुरु, एक मेरा भी तो बने फोटो। तेरे भी फोटो की जरूरत है क्या? किसी का नया मकान बनेगा तो तेरा फोटो लगवाऊंगा उस पे मैं। अब गाड़ी ठीक चल रही है? एब्सोल्युटली, और वो भी आपकी वजह से। चाय पियेंगे आप? आप पिए, मुझे पिया समझे। अरे ऐसा नहीं होता, कुछ तो लेना पड़ेगा। हाँ जरूर लेंगे, आप कह रही हैं तो, पर आप पे उधार रहा, फिर कभी लेंगे। अरे नहीं नहीं, आप अभी बताइए मैं क्या मंगाऊं आपके लिए। आप रहने दीजिए ना, मैंने पराठों का ऑर्डर दे रखा है। अच्छा जी। ये मान नहीं रहा था पराठे चाहिए इसको, तो चलो खा लेते हैं। अरे भैया ले आओ जल्दी यार, पराठे ले लीजिए। नहीं हमारा तो हो गया। आप भी लंच कर लो, पराठे ले लो। नहीं नहीं थैंक यू, आप लोग लीजिए। आप दे सकते थे, पराठे खाए जा सकते थे, ऐसी बात नहीं है। ये लो पर्स, आप काउंटर पे बिल जमा कराओ, मैं अभी आता हूँ। ओके। चले वैभव। अच्छा सर, बाद में बात करता हूँ। बाय बाय। ओके बाय। हाय। साला चुप मर। चार की शायद बढ़िया लगे, चार बेहतरीन वाला। चार दे जरा। दे दे बजर बट्टू। भाई यहाँ तक तो ठीक था, अब तेरे में क्या बढ़ गया, इतनी तेज चलाया ना, आप तो चलाया ले मारा काम है। अरे भगवान, ऊपर वाले मनु सोच रहा था अगर वापसी आऊंगा कि नहीं आऊंगा। नीचे जाएगा, नीचे जाता आदमी, सीधा ऊपर जा। आराम से बचाए थे भगवान, आराम तो बहुत तेज कटाई हो है। अरे आराम थे, आराम से चला ले, बहुत आए पहाड़ बग भगवान। तुझे गर्मी लग रही है? एसी चल रहा गाड़ी में। अच्छा तू डर क्यों रहा है इतना? मतलब ही नहीं है डरने का तो। हाँ? ना हम डरे, ना हमारे बाबा पड़दादा कोई भी ना डरे। वो तो नू हो, थोड़ा सा तेरे चक्कर में देखना पड़े हमें।
आराम से चला ले मोड़ पे मरा का दिखे। क्या हो गया इनको आज? पता नहीं बहुत अजीब सी गाड़ी चला रहा है वो। अरे ये लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। क्या हुआ, क्या बात है भाई? बात ये आपकी मैडम है। मैं मतलब? आप अपना पर्स भुलाई चाय की दुकान पर। ओह माय गॉड, आप मेरे पर्स के लिए इतनी खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे थे? हम तो दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। थैंक्स मिस्टर अजय, आपने इतनी परेशानी उठाई हमारे लिए। थैंक्स कहकर आप बात का मजा किरकिरा कर देती। तो क्या कहें फिर, आप जानते नहीं हमारे बैंक के क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और कुछ कैश सब इसी में था। चेक कर लीजिएगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप। थैंक्स मिस्टर अजय। थैंक यू मिस्टर अजय। ओके। एक दिन मेरी सीट पर भी बैठेगी। बैठ जा, तू क्या कर रहा है यहाँ? हाय क्या चीज है तू, बड़ा बदतमीज है। मेरा मतलब है चीज है वह तो मेरी थोड़ा ही, वो तो चली गई गई। कोई रास्ते में मिल जाए ये बात तो ठीक है, पर मिलकर बिछड़ जाए ये बात बर्दाश्त नहीं है। तो उसे जाना नहीं। हाँ उतर के तेरी गाड़ी में बैठ लेती, तुझे तो कोई सुंदर लड़की दिखे तेरे पर बर्दाश्त नहीं होती। चल अब। अरे तू क्या समझेगा इन बातों को। सही कहा आपने, आज की दुनिया में इतने ईमानदार और हेल्पफुल लोग मिलते कहाँ हैं। पर्स तो देख लिया अच्छे से? हाँ बाबा चेक कर लिया, सब कुछ एज इट इज है। गॉड। सुनो एक बार फोन करके तो देख लेते, दोनों पहुँचे कि नहीं पहुँचे, दोनों कहाँ हैं? इतने दिनों बाद तो कहीं घूमने गए हैं, घूमने नहीं दोगे? बाद में फोन कर लूंगा। एक बार तो बात करके देख लेते, बड़ी याद आ रही है मुझे बच्चों की। याद तो आती है, घर सुना सुना सा लगता है, पर उन्हें तंग मत करना। फिर भी पूछ तो लेते, पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। माँ हूँ मैं, चिंता तो होगी ना मुझे। हाँ मैं तो जैसे कुछ भी नहीं, चिंता मत कर, कुछ समय उन्हें अकेले तो बिताने दो। वाओ वैभव कितनी खूबसूरत जगह है ना, यहाँ घूमने में कितना मजा आएगा। हाँ सही कहा, काफी इंटरेस्टिंग जगह है, आओ अंदर चलते हैं। रे गुरु कहाँ ले आया जन्नत में, मैं तो खामा खामा डर रहा था। अच्छा रात को तो यहाँ बहुत जड्डा होगा है, कुछ जुगाड़ का भी इंजाम हो जाएगा नहीं? अरे मैंने मतलब रिजाई ओढ़ने का। you
सर आपको कुछ मंगवाना हो तो रिसेप्शन पे कॉल कर दीजिएगा। अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो अब उसे मेरे अलावा कोई लग ही नहीं सकता। क्या बात है भाई, जब से तन्ने उसे देख क्या पागल सा हो गया तू तो। कितनी सुंदर है यार वो, कितनी मासूम है, भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, है? वह शादीशुदा है, उसके साथ उसका हस्बैंड है। तो तू क्या समझता है, जिसका हस्बैंड होता है उसका बैंड नहीं बजता? अरे पगले, ये तो वो रेडियो है जिसे प्यार से ट्यून करो तो कोई भी बैंड बजता है। ओ भाई, मुझे सुबह को चाय कॉफी पी के सुनहरी वादियों में घूमने जाना है, इसलिए सो जा। जिसकी आंखों में कोई बस गया हो उसे नींद कहाँ और चैन कहाँ। अरे सो जा पड़के कसम। आराम ते यही रह गया चाय, कहीं ना जा। मस्त बिल्कुल चाय बननी। बढ़िया चाय बंडी, तुझे कुछ पता भी है मस्त के अलावा? हाय मिस्टर अजय, गुड मॉर्निंग। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी से होटल में रुके? हाँ हाँ, ये है ना। और आप लोग? हम भी। कहाँ चले आप लोग? हाँ बस निकले घूमने के लिए, आप भी चलिए हमारे साथ। नो, थैंक्स, आप लोग जाइए और एंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो याद कीजिएगा, वहीं मिलूंगा। ओके पक्का, बाय मिस्टर अजय। बाय। कल तो तू उसके गुणगान कर रहा था, हैं? वो बुला रही है जब तक नहीं उसकी साथ। देख नहीं रहा वो साला गेंडा कैसे हाथ में हाथ डाल रहा था। मन कर रहा था साले के थोबड़े पे एक लगाऊं, पर क्या करूं। अरे वाह, उसकी घरवाली है, वो चाहे जैसे पकड़ो, तुझे प्रॉब्लम क्या है? किसको होगी प्रॉब्लम, तुझे? साले मेरा खून फूक रहा है और तुझे मजा आ रहा है। चल छोड़ यार, भगवान ने जो कर दिया उसमें हम क्या कर सके। मुझे यार भगवान की यही बात अच्छी नहीं लगती, साला गधे खाए चूरमा और मेरे जैसा हीरो। अरे यार वो उसकी वाइफ है। वो उसकी वाइफ है ये बात ठीक है, पर वो मुझे ना मिले ये बात अब बर्दाश्त नहीं होती। तू टेंशन ना ले, ये देख नजारे हैं, ये कितने प्यारे। ये प्यारे नजारे? हाँ। किधर से है प्यारे नजारे? प्यारे नजारे तो वो गेंडा ले रहा होगा। नजारे ले रहा है साला, मजे ले रहा है। अरे वाह, उसकी घरवाली है, यहाँ मजे ही तो लेने आए वे। मेरा मतलब यो है, इसका मतलब क्या है, इसका हक क्या है मजा लेने का? अरे मजा गुरु की जागीर है। मुझे तो यहाँ पता है बहुत मजा आ रहा है। अरे सुनो ना, इधर देखो। कर लो ना तुम। अरे आप इधर देखो,
यार वाकई में ये धरती का स्वर्ग है, देखो ना चारों तरफ। हेलो पिताजी। नमस्ते, कैसे हैं आप? और मम्मी कैसी हैं? हम तो ठीक हैं, तू बता कैसे हो तुम दोनों? हम लोग ठीक हैं पापा। मजे में? हाँ, हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? हाँ पिताजी, हम बिल्कुल ठीक हैं और काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। बहू तेरे साथ ठीक तो है? जी पापा। और हाँ, कल उसका बर्थडे है, भूल मत जाना। नहीं पिताजी नहीं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अरे आप भी आ गए? क्या हो गया आपको? बस कुछ नहीं, थोड़ा सा पैर मुड़ गया। अच्छा चलो हम डॉक्टर के पास लेके चलते। नहीं नहीं कोई नहीं, बस ठीक है। अरे आपको आराम की जरूरत है, चलो इनको इनके कमरे में लेके। चलिए चलिए। अजय जी, आपको मेरी वजह से काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अरे दोस्ती में कैसी बात करते हैं यार आप? साले गेंडे, तेरी वजह से तकलीफ तो हो ही रही है मेरे को। आपने वैसे काफी वेट बढ़ा रखा है अपना। मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, वो करना, आपका वेट कम हो जाएगा। मैंने भी इनसे कई बार कहा पर ये कभी मेरी सुनते ही नहीं है। नहीं नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं यार ऐसी क्या बात है, मैं घर जाने से पहले आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, देखना आप दौड़ने लगोगे, दौड़ा के रहूंगा मैं आपको। अच्छा जी, अब हमें दौड़ना भी पड़ेगा? बिल्कुल। अजय जी थैंक्स, आज आपने हमारी बहुत मदद की है। अरे आप बार बार थैंक्स मत बोला करो। तो और क्या बोलूं? थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगाती हूँ। अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप पहले ही बहुत परेशान हैं। मेरी जरूरत हो तो याद कर लेना। जी बिल्कुल, थैंक यू। ओके जी, थोड़ा पैर का ध्यान रखना। वैभव आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्म पानी मंगा के आपके पैर की सिकाई कर देती हूँ। अरे नहीं हो जाएगा ठीक। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए मूव लेके आती हूँ। ये ठीक रहेगा है ना? आप आराम कीजिए। वैभव आप आराम कीजिए, इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं मूव ले आऊंगी। हाँ हाँ आप लेट जाइए, आराम से लेट जाइए, बस मैं आ रही हूँ। आप लेट जाइए, मैं ला रही हूँ मूव। बड़े अच्छे नजारे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब अजय सुनो, वो यहाँ कोई आसपास दुकान होगी क्या? मूव चाहिए आपको? हाँ ये लीजिए। थैंक यू, पर आपको कैसे पता? अरे जिस चीज की जरूरत पड़ सकती है मैं वो हर सामान लेके चलता हूँ। अजय तुम कितने केयरिंग हो, थैंक यू सो मच। तेरा दिल जीतना है तो उस मोटे की तो सेवा करनी पड़ेगी। सुनो मैं लगा दूं, आपसे नहीं लगेगी? अरे नहीं नहीं मैं लगा लूंगी। सुनो मैं लगा लूंगी, याद कर लिया करो। क्या कोई जरूरत हो तो? हाँ हाँ जरूर, थैंक यू। बड़ी प्यारी है। गुरु प्यारे तो तुम भी हो। क्या बात है, खुराक मिलू कई दिन हो गए दिखे। नहीं नहीं मैं तो डरा बैठा था जब से मुंह आई थी। अच्छा हाँ, मैं कहीं ना तो चोट गुरु के ना मेरे चोट, मैं तो नू सोच रहा था कहीं पहले जूता बजाता हो और फिर मेरा मुंह लगाता हो तो मैं सारी चीज पहले ही पता रहे। बेटे ये मामला ही ऐसा है, तूने कभी करा है ये? कौन क्या प्यार मोहब्बत? हमें क्या पता, हमें तो अपने तो प्यार है बस, और किसी का थारे तो प्यार है गुरु बस, और किसी से प्यार नहीं है। मैं ना तो तेरी क्या समझ में आवगी ये बात? हाँ ये अभी ठीक है। प्यार मोहब्बत की बातें हैं बेटे, सीख जाएगा। पैर इधर लाइए। नहीं नहीं रहने दो, क्यों तकलीफ कर रही हो? हो गया और कुछ? जो मैं कर रही हूँ ना मुझे चुपचाप करने दीजिए।
मैं मूव लगा रही हूँ, आपको आराम मिलेगा। ठीक है, लगा दो। धीरे। यार निक्की को देख के कुछ कुछ हो रहा है, और अब तो मैंने डिसीजन ले लिया, बस इसे ही पाना है। अरे रहने दे यार, यो डिसीजन तो तू हर साल ले, हर महीने ले, हर हफ्ते ले, हर दिन ले। अरे हर दिन क्या, कहीं कहीं बार तो हर घंटे में भी ले ले। अरे यार ये फाइनल है। मुझे नहीं लगता वो तेरे चक्कर में आवेगी। क्यों, तेरे में आवेगी? और मेरे चक्कर में? मेरे चक्कर में तो मेरी घरवाली नहीं आती। तेरी कौन सी घरवाली? अरे अगर होती। वैसे गुरु एक बात बताऊं, कहीं पर मन ने चांस में आने की बहुत कोशिश करी, पर लास्ट में है क्या, राखी बैंड के निकल ली। हाँ तो चांस मारने दे, पहले अपनी शिकल तो देख लेकर। हाँ तो आपको देख लूंगा। अरे अभी ढंग से जाल नहीं बिछाया है, वरना यही मिलने आती। गुरु हाय, इधर ही आ जाइए ना। आइए आइए आइए। हाँ हाँ आइए बैठिए। थैंक यू। और पैर कैसा आया बाप का? अब थोड़ा आराम है, मोटे ठीक हो गया पैर। आइए हम आपको डिनर कराते। अरे डिनर आप क्यों कराएंगे, डिनर हम आपको कराएंगे। दो सूप ले आओ पहले। चलो ठीक है, हम ऑर्डर करते हैं, आप हमारे लिए ऑर्डर करो, हम आपके लिए ऑर्डर करते हैं। जिसका ऑर्डर दूसरे की पसंद से ज्यादा मैच करेगा वही बिल पे करेगा। ओके डन। क्यों वैभव? आई एम रेडी। ठीक है आप ऑर्डर कीजिए। पहले आप। ये लखनऊ थोड़ी है, उत्तराखंड है, आप कर दीजिए। कोई बात नहीं, फिर भी पहले आप। ओके, आपके लिए राजमा चावल। हाँ, कम माल है, एग्जैक्ट बता दिया। आपको कैसे पता चला? रियली? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, अब वैभव का बताओ तो जानू 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 बताओ ना। इनका है चना पालक। अरे ओ माय गॉड, ये भी एकदम करेक्ट है। आपने कैसे जाना? मुझे अच्छी तरह पता है कि गधे क्या खाते हैं। गुरु अब मेरा बताओ तो मानू। अबे तेरा मैं क्यों बताऊंगा, ये बताएंगे। ठीक है मैं बताता हूँ, इनको पसंद है कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर? कढ़ाई पनीर क्यों? मुझे पसंद है छोले भटूरा। क्या मतलब? मेरा मतलब है छोले भटूरे। अब मैं बताती हूँ, आपको पसंद है भरी हुई भिंडी। बोलो सही है या नहीं? तो एकदम करेक्ट। लो गुरु खाना, बढ़िया वाली रोटी ले आया। क्या लाया है? फर्स्ट क्लास करारी भरवा भिंडी। भिंडी? हाँ। इसे जरा वहां रख, आजा कुछ बात करते। बात बाद में करेंगे, पहले रोटी खाते हैं। रख के तो आ। हाँ तो बताओ गुरु क्या बात है? भिंडी लेके आया मैं। ले भिंडी। सोने हर बार जब खाना मंगाता हूँ भिंडी लेकर आता है। भिंडी खिलाएगा। ये पता है ना मुझे भिंडी से चिढ़ है, फिर भी भिंडी खिलाता है। अबे बता ना, मुझे भिंडी पसंद है यार। भिंडी की वजह से तो मैं बहुत पिटता था। मेरा मतलब है जिस दिन मैं भिंडी नहीं लाता था उस दिन मैं बहुत पिटता था। गुरु को तो बहुत पसंद है भरवा भिंडी, कढ़ाई भिंडी, करारी। हाँ बहुत हो गया, बहुत हो। ये देखा मैंने करेक्ट बताया, अब बिल हम देंगे। बिल आप क्यों देंगी? अरे आपने एक करेक्ट बताया, हमने दो करेक्ट बताए, तो बिल हम देंगे। बिल फिर भी हम देंगे क्योंकि कल निक्की का बर्थडे है। ओहो अच्छा जी, ये बात है तो कल तो फिर बहुत शानदार पार्टी होनी चाहिए। डेफिनेटली, जब जहां जैसा आप चाहें। बिल्कुल, अब तो सोच समझ कर डिसाइड किया जाएगा कि पार्टी कहां ली जाए। ठीक है जहां मर्जी लीजिए, हम तैयार हैं। आपको ही तो तैयार करना है।
निक्की निक्की हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, मुझे अंदाजा भी नहीं था मुझे इतना अच्छा सरप्राइज मिलेगा। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊंगा? जरूर वैभव ने रखा होगा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। फूल पसंद आया आपको? क्या ये फूल आपने रखा है? हाँ, मुझे पता था कि आपको गुलाब पसंद है। हाँ, इसलिए मैं सुबह उठकर चारों तरफ दौड़ा हूँ। गुलाब यहाँ कहीं नहीं मिलते, बहुत सारे फूल तो मिलते हैं लेकिन गुलाब नहीं है। ओह माय गॉड, आप कितने अच्छे हैं, अपने दोस्तों का कितना ख्याल रखते हैं। दोस्त बनाया तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। हम भी आज आपको पार्टी देंगे। क्या दोगे पार्टी मुझे? डिनर, मैं और वैभव आप जहाँ कहेंगे ना आपको वहाँ डिनर कराएंगे। उस साले हाथी की जरूरत कहाँ है हमारे बीच में। क्या हुआ? कुछ नहीं, जो आपकी आज्ञा, आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ आ जाएंगे, आखिर आपका बर्थडे है। अच्छा जी, फिर शाम को मिलते हैं। सुनो, जो जगह मैंने बताई थी वहां जरूर जाना। श्योर, पक्का। सुनो। हाँ हाँ, डेफिनेटली जाएंगे। सुनो, याद करना अगर कहीं जरूरत हो तो। हाँ बिल्कुल। वैभव, वैभव उठिए, सुबह हो गई। सुबह हो गई क्या? अच्छा, अब आपका पैर कैसा है? पैर एकदम फर्स्ट क्लास है। ये कहाँ से आया? ये अजय ने दिया है। क्यों? हेलो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। हाँ मम्मी पापा जी, बस अब भी सेलिब्रेट करेंगे थोड़ी देर में। थैंक यू, बाय। ओह माय गॉड, सॉरी यार, मैं तो भूल गया था आज तुम्हारा बर्थडे है। मैंने विश भी नहीं किया। हैप्पी बर्थडे निक्की डियर। थैंक यू। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें वो जगह भी जाना है जो अजय ने बताई थी। okay. जल्दी से तैयार हो जाइए। वैभव, वहाँ देखो कितनी सुंदर जगह है, चलो ना ऊपर चलते हैं। मैं नहीं जा सकता, मेरे पैर में दर्द है, सूजन भी चढ़ी हुई है। अच्छा तो चलो वापस चलते हैं। नहीं, तुम अकेली चली जाओ, मैं बैठा हूँ यहाँ। मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? हेलो। हे, हाय। हाय। कैसी लगी जगह? हाँ, जगह तो बहुत प्यारी है। देखा है क्या आप लोग? अरे नहीं, हम लोग तो घूम ही नहीं पाए। क्यों,
मेरे पैर में दर्द है इसलिए हम ऊपर नहीं जा पाए। ओहो, तो तू देखता जा तुझे कहां कहां दर्द होगा। तो भाई साहब मुझे बोलना था ना, तो मैं पहले आपको डॉक्टर के यहाँ लेके जाता। अरे नहीं यार, इतना भी नहीं है। इतना भी करूंगा, चिंता मत कर। अजय तुम मेरा एक काम कर दो, निक्की को अपने साथ ऊपर ले जाओ, मैं तब तक तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। अरे नहीं कोई बात नहीं, हम बाद में घूम लेंगे। अरे इसमें क्या है, आप दोनों घूम आओ, जब तक ऑफिस में मुझे मैनेजर से काम है मैं बात कर लेता हूँ। ओके ठीक है। क्या बात है मोटू, आज तो तुझे चूमने का मन कर रहा है। बैग तो उठा ला। तू कहाँ चला? तेरे साथ जा रहा। तुझे तो फीवर था ना? फीवर? वो क्या हो? बुखार। बुखार? बुखार मुझे कब था? मैं तो ठीक ठाक हूँ, भला चंगा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना तुझे बुखार था, जाके गाड़ी में बैठ, आराम कर और उस मोटू को कंपनी दे, वरना धक्का दे दूंगा ऊपर से, पड़ेगा जाके मर जाएगा। मरने तो अच्छा, तो बुखार ही ठीक है भाई। ठीक है मैं जा रहा मोटे के धोरे। क्या हुआ, वो नहीं आ रहे क्या? उस बेचारे को घबराहट होती है ऊंचाई पे जाके, उसका दिल घबरा जाता है और उसे फीवर भी तो है। ओ, चलो कोई बात नहीं, वैभव भी अकेले हैं, उन्हें कंपनी मिल जाएगी। अच्छा आप आ गए? हाँ। आप ऊपर नहीं गए? लगता है आपको ऊंचाई से डर लगता है। अरे नहीं डरता तो मैं किसी के बाप तो नहीं। अरे किसी क्या, अपने ही बाप तो डरता। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, देखो कहीं मेरे बुखार है क्या? नहीं बुखार तो नहीं है आपके। बुखार नहीं है मेरे, ऐसा कैसे हो सके? अच्छा आपका दिखाइयो, आपका है क्या बुखार? दिखाइयो थोड़ा, वैसे ही देखो थोड़ा सा ना, आपको तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या बात होगी भाई, लो एक बार और देखियो जरा बुखार, देखियो हो सके क्या फर्क पड़े। हाँ नहीं बुखार आपके। यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। छोड़ो ऐसा नहीं हो सकता, मारा गुरु कहे और मेरे बुखार ना हो, सड़म भी कड़वा कड़वा सा हो जा, पानी सुबेर तक कड़वा कड़वा लग रहा। मुझे कहीं पता चला था अगर मेरे बुखार हो रहा हो तो मेरे गुरु ने बता दिया। देखो भाई साहब मेरे बुखार है क्या? मना कर दिया ना, नहीं है ना बुखार। अच्छा दिखाया तो दो, इसमें कौन सा फीस लग रही है, ना तुम डॉक्टर ना मैं डॉक्टर, दिखाने में क्या है, तुम अपना दिखाओ मैं अपना दिखाऊंगा। क्या हाथ दिखाओ, बोल दिया ना नहीं है बुखार। भाई साहब एक बात बताओ, सुनो तो, गोली है का दिया आप पे? हाँ डिस्प्रिन एनासिन क्रोसिन पड़ी है मेरे पास अभी। डिस्प्रिन एनासिन की बात नहीं कर रहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है गोली, कोई भालू शेर है झिंगा लाला कर गया तो फिर क्या कर रहे हैं? पागलों वाली बात कर रहे हो यार, मैं पिस्तौल नहीं रखता। अच्छा अच्छा तो तुम देखियो बुखार है क्या? नहीं है बुखार। लगा कुछ फर्क सा? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सुनो तो, गोली है गोली? यार जब मना कर दिया पिस्तौल नहीं रखता मैं। हम तो कह रहे हैं एक आधी मिठी गोली, मुंह कड़वा सा हो रहा, सुबह तो पानी भी कड़वा लग रहा। सुनो तो है एक आधी? नहीं है मेरे पास, नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सके? अच्छा बुखार देखियो। यार मना कर दिया ना, नहीं है बुखार। अरे हो सके, लो मैं तारा देखूं। नहीं है बुखार, मेरे भी नहीं और तेरे भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या खाते हो, इतने हेल्थी है? घी खाता हूँ मैं। है घी खाते हो? लेकिन एक बात बताऊं भाई साहब, अरे सुनो एक बात बताऊं, अगर घर का तेल है तो घी फेल है। तो निकल यहाँ से चल। धक्का मार रहा पर कोई बात नहीं, धक्का भले ही मार रहा हो, आदमी बहुत बढ़िया है, इस तो बात करने में बहुत मजा आ रहा। और वैसे भी कंपनी देने की बात हुई थी, गुरु का आदेश है, इसे कैसे टाल सके हम? कोई बात नहीं भाई, इस तबात करने में कुछ घस थोड़ा ही रहा हमारा, फायदा ही हो रहा, और घटेगा तो इसका ही घटेगा, मेरा कौन सा बात करूंगा, इंगे घूम जाता पीछे को जमा। मुझे देख रहे थे भाई साहब, मुझे पता मेरे बिना आपका जी लग ही नहीं सकता। आ रहा हूं।
वाओ, अजय ये जगह कितनी सुंदर है। आपसे ज्यादा सुंदर नहीं। अच्छा जी। हाँ, आपके पिक लेता हूँ, फिर देखना ये जगह ज्यादा खूबसूरत है या आप ज्यादा खूबसूरत। ठीक है। अजय अब एक दो पिक ना साथ में लेते हैं। एक ऐसे वेरी नाइस। अजय हाँ, ये जगह इतनी सुंदर है ना, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं यही रहा करूं। मैं आपको इससे भी अच्छी जगह बताऊंगा, फिर आप वहां जाना घूमने। अच्छा जी जी, ठीक है। अजय मुझे थोड़ी भूख सी लग रही है। अच्छा? यहाँ तो कोई शॉप भी नहीं है। अभी देता हूँ, ये लीजिए। अरे वाह, आपको कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? मैंने आपको देख के आइडिया लगा लिया था कि आपको चॉकलेट पसंद होगी। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ जी, आपकी शादी हो गई है? नहीं तो? तो कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी। हाँ कोशिश कर रहा हूँ। कौन है वो खुशनसीब? आप। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ वो माल आ गया। अच्छा एक काम करो, उस माल को वहाँ पहुँचा दो। हाँ हाँ वो जो जगह लिखवाई थी, ठीक है बाकी सब मैं देख लूँगा अपने आप। हाँ हाँ वो मेरे पे छोड़ दो, मैं कर लूँगा अपने आप। ठीक है ओके बाय। भाई साहब बुरा मैं नहीं है, दिख है इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात नहीं थी। तो फेरा लिया और मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ भी अमान जंगल में। तुझे कोई और नहीं मिलता क्या? और कोई कौन मिलेगा, यहाँ तो भालू मिलेगा, वही मिल सका है बस। तेरे टाइप का भालू ठीक है। अगर मन ने उसका मजाक कर ली ना, मैं फिर जिंदगी भर किसी से मजाक नहीं कर सकता। तो मेरा सर मत खा, यहाँ से चला जा। अजी भाई साहब वो भालू है ना, उस तो बढ़िया तो आपसे ही बात कर लूं। क्या मतलब? मतलब जोक सुनाओ, मैं आपको जोक सुनाता हूँ। मुझे तेरे जोक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मेरा सर मत खा। सुनोगे जी भी तो इंटरेस्ट आओगे, जी भी तो मजा आओगे, मेरे जोक सुन सुन कर तो लोग बावड़े हो रहे। बोल दिया? नहीं कहाँ बोल रहा है, अभी बोल लूंगा। बस एक? हाँ दूसरा नहीं। हाँ चल सुना। एक बार ऐसा हुआ जी, मेरे गांव में एक बुढ़िया मर गई। अब वो बुढ़िया मर गई, पूरा सुनो, देखो गुस्सा होने वाली बात नहीं, जी भी आओगे मजा। अब वो बुढ़िया मर गई, उसे हम फुक्कन चले गए। बज्जी जब फुक्कन चले गए, थोड़े से गुस्से उसके नीचे कम रह गए। एक आदमी कहन लगा, अकबे सालो क्या कर रहे तुम, थोड़े से गुस्से इसके पिछवाड़े के तले भी तो ला दो। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, तेरी शक्ल देख के भी हंसी नहीं आती। मेरी शक्ल? मेरी शक्ल इतनी फेमस है, हर नवे घर के सामने टंगी मिलेगी। बस हो गया, मेरा देखा नहीं फोटो आपने कहीं? चल चल अपना काम कर चल। कोई बात नहीं, एक आपको मैं दूसरी भाषा में सुनाऊं। तू जा रहा है पिटके जाएगा यहाँ से? पिटके? पिटके कैसे जा सके हम तो पिटके जा ही नहीं सकते। भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो, आप मुझे पिटो खचेड़ो घेरो, हम आपके साथ हैं। मुझे नहीं चाहिए तेरा साथ, तू अपना सर कहीं और जाके खा। सर कहीं और जाके खाओ, इतना कहा आपने है? हाँ, हाँ, सर कहीं और जाके खा। अच्छा ठीक है, फिर एक बात भी सुनो मेरी, आप मैं आपको एक दूसरी भाषा में जोक सुनाता हूँ। मुझे नहीं सुनना तेरा जोक, चल निकल यहाँ से। अजय प्यास लगी है बहुत तेज। प्यास लगी है? ये लीजिए। अरे वाह, तुम कोई जादूगर हो क्या, जो मांगो वो लाकर दे देते हो। मैंने कहा ना मैं जरूरत की हर चीज साथ रखता हूँ। तुम बहुत केयरफुल इंसान हो।
जिंदगी में अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं निक्की जी, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। तुम बातें तो बहुत प्यारी प्यारी करते हो, देखना हम भी तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बनकर दिखाएंगे। दोस्त क्या, एक दिन मैं तुम्हें तुमसे ही चुरा कर ले जाऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ खुशियों का कोई खजाना होता तो मैं सारा तुम्हें दे देता। अरे अभी हम कोई कम खुश हैं क्या? देखो ना, हमें वैभव जैसे पति मिले हैं, आप जैसे अच्छे दोस्त मिले हैं, और हमें क्या चाहिए? साला उस मोटू का नाम बीच में जरूर लेती है। चले अब। मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा, वैभव ना हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पानी की बोतल। जी चलो। चलो छोड़ो भाई साहब, आपको मैं कुछ खुआता हूँ। जंगल में तेरे ताऊ ने ढाबा खोला है? अजी नहीं, मैं तो नू कह रहा था थारी गाड़ी में धरा होगा कुछ ना कुछ, वो खा लेंगे थारे बहन ने, हम भी खा लेंगे। मेरी गाड़ी में कुछ नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान नहीं दिया आपने, आए नहीं वो अब तक। तू क्यों परेशान हो रहा है, आ जाएंगे। अच्छा जी, अजी काफी देर होगी, मैं कहा आई नहीं, देख लेते एक बार, आज सब कुछ दिखा गया होगा वो। तू क्यों दुखी हो रहा है? दुखी मैं थोड़ा ही होऊंगा, दुखी तो तू होगा। एक जोक और सुनो भाई साहब। रुक, मेरे ऑफिस से फोन आ गया है। अच्छा, जोक बाद में, काम पहले। ठीक है ठीक है ठीक है जी, मैं कर लूंगा इंतजाम, तू इतना संभाल मैं आता हूँ। हाँ हाँ सब हो जाएगा। लो मैं भी आ गए। अच्छा चल बाद में बात करते, आ गए आप। हाँ घूमाए। हाँ फिर चले निकी। हाँ चलिए, बाय बाय। चले गए मैं तो, चले हम भी, भूख लग रही है मुझे, भूख का आंसू मेरे थे, लगाम चाप रहा हूँ सुबेरे थे, मोटे ने एक बिस्कुट भी नहीं खुआया मुझे। मेरा मतलब आज भी बढ़िया, मेरे मूड का आदमी। चले चल चलो। वैभव आज कितना मजा आया ना घूमने में। हाँ। आपको पता है ऊपर इतने शानदार नजारे थे ना, अगर आप होते तो सच्ची बहुत मजा आता। पता है अजय ने मेरे ढेर सारे पिक्स लिए, मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे अजय कितना अच्छा इंसान है ना, इसके मिलने से हमें कितना सपोर्ट मिल रहा है। हाँ ये तो है निक्की, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, और हल्की सी थकान भी महसूस हो रही है। हाँ ठीक है आप आराम कर लीजिए, आपके लिए कुछ मंगाऊं मैं खाने के लिए? नहीं नहीं यार मेरा मन नहीं है आज। ठीक है। वैभव तेरे ये गुलाबी।
मन लचिला घना नसिला करेगा देखे खराबी जान ले महंगी किसे की दिखे आंखे तेरी शराबे से आई हाँ? तुम्हारा गाना सुनकर पर तुम इतनी खतरनाक जगह खड़े होकर क्या कर रहे हो इधर आ जाओ जो नजारा यहाँ से दिख रहा है वो दुनिया में कहीं से भी नहीं दिख सकता निक्की तुम भी यहाँ आ जाओ मैं मुझे तो यहाँ खड़े होकर इतना डर लग रहा है तो मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ तुम यहाँ आओगी तो बहुत खुश होगी मैं खुद तो वहाँ नहीं आ पाऊंगी रुको मैं आता हूँ ठीक है वाओ अजय ये कितनी खूबसूरत जगह है वैसे एक बात बताओ तुम यहाँ खड़े होकर ये गाना किसके लिए गा रहे थे जिसको अच्छा लग जाए जो सुनकर आ जाए अच्छा जी अजय तुम तो बहुत रोमांटिक हो तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में जो भी लड़की आएगी ना वो बहुत खुश नसीब होगी खुश नसीब मैं होऊंगा अगर वो मिली तो अच्छा चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ ये देखो So sweet surprise. अजय ये सब तुमने मेरे लिए किया तुम्हें अच्छा लगा अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें पता है आज तक मेरा जन्मदिन किसी ने ऐसा नहीं मनाया आई एम टोटली happy, happy, happy. चलो आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हाँ Happy birthday to you. Happy birthday to you. हेलो अरे सर वो पेमेंट आप करा दीजिए मैं माल भेज दूंगा हाँ आप टेंशन मत लीजिए मैं करा दूंगा उस काम को हाँ भेज दो पेमेंट ठीक है जी आप उठ गए मुझे तो काफी टाइम हो गया उठे हुए मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तुम कहाँ चली गई थी अरे वो आप सो रहे थे ना और मेरा दिल नहीं लग रहा था इसलिए मैं बाहर चली गई थी चलो अब तैयार हो जाओ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट भी तो करना है रहने दो ना बर्थडे सेलिब्रेट तो हो गया कब और कहाँ हुआ सेलिब्रेट अरे वो मेरा मतलब है सुबह हम लोग घूमने गए थे ना और देखो ना हम दोनों साथ में भी हैं और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए और वैसे भी आपका पैर भी ठीक नहीं है आखिर ऐसे कैसे तुम्हारा बर्थडे है सेलिब्रेट भी तो करना है आखिर उनको पार्टी भी तो देनी है आज मैं यहाँ के सबसे शानदार होटल में पार्टी दूंगा उनको तैयार हो जाओ ठीक है
किसी शानदार होटल में नहीं, किसी शानदार जगह पार्टी करेंगे। क्या मतलब? मतलब हम किसी खुली जगह में कैंप लगाएंगे और वहाँ आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। रियली? ओह माय गॉड, पता मैं हमेशा यही सोचती थी कि हम कहीं कैंप लगा के उसमें एंजॉय करें। तो फिर है कहीं ऐसी जगह? बिल्कुल है। चलिए फिर आज आप लोगों का कैंप भी देख लेते हैं। पर वहाँ चलने की एक शर्त है। कैसी शर्त है भाई? वहाँ सभी को ड्रिंक करना है। नहीं नहीं, हम ड्रिंक नहीं करेंगे, और वैसे भी मैंने तो कभी छुई भी नहीं है और वैभव भी नहीं पीते हैं। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, हम तो सब आपकी खुशी के लिए कर रहे थे। नहीं पीना चाहते, आपकी मर्जी। अरे ऐसे कैसे? नहीं, आप ड्रिंक नहीं करेंगे। अरे ठीक है भाई, नाराज ना हो, एक पैक लेंगे बस। अरे ये हमारी खुशी के लिए इतना कर रहे हैं, क्या हम एक पैक भी नहीं ले सकते? Yes! आज एक पैक से काम नहीं चलेगा वैभव बाबू, फुल एंजॉय होगा, फुल एंजॉय। नो प्रॉब्लम अजय जी, आज हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब आप रहने दीजिए, आपको नशा हो गया है। हो जाने दो आज नशे को, आज तुम्हारा बर्थडे है जिसे सेलिब्रेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सही कह रहे हो भाई साहब, बिल्कुल सही, कसर तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहता। अच्छा भाइयों और इसकी बहनों, बहनों तेरी, हाँ मेरी मान लो, मैं चलता हूँ, मेरी गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अजय भाई, ये जो मेरी बीवी है ना, मैं इसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। साले, प्यार तू क्या करता है, प्यार तो मैं करता हूँ, तुझे अभी पता नहीं है, देखता जा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, पर इसको लगता है मैं अपने बिजनेस से ज्यादा प्यार करता हूँ। बिजनेस भी तो मैं इसी के लिए करता हूँ, ताकि इनको किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो। क्यों? मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैंने कब कहा कि आप मुझे प्यार नहीं करते? कमाल है भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप इन्हें बहुत प्यार करती हैं इसलिए जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं इसलिए बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। फिर हम कौन है, हम किसको प्यार करते हैं, क्यों मना रहे हैं बर्थडे है? है? आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिनके कारण आज हमारा बर्थडे इतने अच्छे से मनाया जा रहा है। अगर आज आप ना होते ना, तो शायद हम इतना एंजॉय नहीं कर रहे होते। बिल्कुल सही कहा आपने। अजय जी, आप जानते हैं इतने कम टाइम में आपने हमारे दिल में ऐसी जगह बनाई है ना, जो कभी किसी की नहीं है। अभी तो तेरे जज्बों को बाहर करना है पहले। और आप वैभव को देख लीजिए, जो कभी किसी से दोस्ती नहीं करते, लेकिन जब से आपसे मिले हैं ना, आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। दोस्त दोस्त नहीं मानता मैंने, अपना भाई मानता हूँ। अबे साले, रुलाएगा क्या, इतनी इमोशनल बातें कर रहा है? सही बात है, बहुत तारीफ करते हैं हम लोग आपकी। और मैं क्या करता हूँ, 24 घंटे आपके बारे में तो सोचता रहता हूँ। मतलब? मतलब कि जब से आप लोग मिले हैं, तब से आपके बारे में सोचता हूँ। और हम भी तो कितना विश्वास करते हैं आप पर, बिल्कुल आंख बंद करके। कभी किसी अनजान राह चलते पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, वो गलत भी हो सकता है, धोखा हो सकता है, धोखा। बट आप ऐसे नहीं है, हम जानते हैं। बिल्कुल हम जानते हैं आप ऐसे नहीं है। मैं कैसा हूँ मोटू, ये तो तुझे जब पता चलेगा, जब तू इधर से अकेला जाएगा और ये मेरे साथ जाएगी। अब मुझे लगता है इनको ज्यादा नशा हो गया है। वैभव, वैभव। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, जब तक मैं बैठा हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। थैंक्स, आप जब से मिले हैं ना, हम बिल्कुल बेफिक्र से हो गए हैं। इतनी खुशी तो मुझे कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके भी नहीं हुई, जितना आपका बर्थडे सेलिब्रेट करके हो रही है, हैं? मुझे भी आपके साथ टाइम बिताना अच्छा लग रहा है। हेलो भाई साहब,
ओ भाई साहब, हेलो, अरे मैं हूँ ना, मैं हूँ, चलो ले चलता हूँ, आ जाओ चले, इधर आपका रूम है ना, उधर मेरा रूम है, पहले आपके रूम में चलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी भाई साहब, बना दिया ना साले का, गुड नाइट है, गुड मॉर्निंग थोड़ा ही, गुड नाइट है, गुड नाइट है। धन्यवाद भाई साहब। वैभव लेटाओ मेरे दोस्त को, नहीं मेरे भाई को लेटाओ, नहीं मेरे भाई को लेटाओ, अजय उठो, ये तुम्हारा रूम नहीं है, अजय लेटाओ मेरे भाई, इसने भी इतनी पी रखी है, ये उठेगा कैसे, लेटाओ, अब इसे भी मुझे रूम में छोड़ के आना पड़ेगा। अजय उठो, तुम्हारा रूम नहीं है, उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ के आती हूँ, भाई को उठो मेरे भाई को, किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, अरे भाई को लेटाओ, अजय मेरे भाई को, चलो मेरे साथ अपने रूम में नहीं होनी चाहिए दोस्त को, अजय उठो, चलो अपने रूम में, चलो ये गलत, चलो अपने रूम में। है रोड कहाँ गया, साड़ो रोड बताओ कहाँ गया मेरा, जिस पे चला हरदम है, मिस पिल्टू क्या जवाब दूंगा मैं, तुम जानते नहीं हो, बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं, बहुत खतरनाक, जानते नहीं हो तुम, सबको कह रहा देख ले, कतई हिल भी नहीं रहे, डर गए पर रोड बताओ कहाँ गया, यहाँ से कोई बात नहीं, बम हरा गिलास कौन ले गया, देख ले एक बार बताऊ, इतना खतरनाक आदमी हूँ मैं, 2500 रुपए का इनाम है मेरे ऊपर, बहुत छोटा चोर हूँ मैं, समझ गए, बताओ कहाँ है मेरा रोड, बता नहीं रहे, कोई नहीं ढूंढूंगा, कोई बात नहीं, छोड़ रहा नहीं, बहुत खराब आदमी हूँ, चोरों से चोरी, रोड लेंगे लेंगे मारा गिलास, कोई बात नहीं। आज हमने आपका बर्थडे मनाया, मतलब सेलिब्रेट किया, आपको अच्छा लगा ना? हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, सचमुच अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा, और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, आपने मुझे इतनी सारी खुशियाँ जो दी है आज, खुशियाँ मैंने, खुशियाँ तो आपने मुझे दी हैं, मैंने मैंने कैसे दी हैं, मेरी जिंदगी में आकर, जिंदगी में आकर मतलब, तुम नहीं जानती निकी मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूँ, देखो तुम अभी नशे में हो और तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मुझे सब पता है, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से अब तक मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ, प्लीज
ऐसी बात मत बोलो। देखो तुम बहुत मुश्किल से हमें एक अच्छे दोस्त के रूप में मिले हो और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। मैं भी तुम्हें हर कीमत पर पाना चाहता हूँ। देखो तुम अभी होश में नहीं हो, हम तुमसे सुबह बात करते हैं। तुम चलो अभी। हम किसी को छोड़ने गए हैं। देखो भाई साहब, बदतमीजी या बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलने की भाई साहब। या तो आप आगे तो हटो, अन्य हम तो हटने के ही नहीं। आगे तो हटो, बात बाद में होगी। हमें जाना अपनी रोड अपना गिलास ढूंढन है। पहले तो ये बता तेरा मुंह कहाँ। अच्छा एक बात बता, तूने जाके बात कर मेरे से, जाके बात कर। और तू नहीं हटता तो हम भी नहीं हटते। जा यहीं बैठे, यहीं बात करेंगे, हम जाते नहीं कहीं। ले जा, कर ले जो करे। यहीं बैठे जाते नहीं हम, बहुत खराब आदमी मैं। बैठ गया ल मैं यहाँ से, हम जा रहे हैं। और तू अगर रहे या कोई बात है या बदतमीजी नहीं चलने की, या तो सॉरी बोल या फिर हम सॉरी बोल। यार कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए आदमी में। अगर पहले आगे बैठो और फिर सॉरी ना बोलो, सॉरी बोल। सो बोल दे, बोल दे, सुन ना मैं बोल रहा नहीं। हम हटने के नहीं। हम भाई साहब एक बार बताऊं, हम गोले गुलेल पर गुलेल पर घोड़ी धर के इनू चला दे। हम बहुत खतरनाक मानिए, हमारे दो चोर हैं हम। तू सोच रहा हूँ मैं चला जाऊंगा यहाँ से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फैसला करके जाऊंगा। चार आदमी हम बात रखू, या बात दिल्ली तक जाके थारी। एक बार सुन ले, सॉरी बोल, बोल सॉरी। अरे एक और बात बताऊं, ऐसे हमने दुनिया भर के देखे आगे हटने वाले। कभी सोचता हूँ सॉरी बोल। या तो यार इंसानियत वाली बात रही नहीं। देख जो एक बात है यार, मान जा, मान जा। सॉरी नहीं बोल रहा, बहुत खराब आदमी है। यो भी ढीठ है और हम तो इस तब बड़े ढीठ हैं। हम भी अड़ गए, हम जाने वाले नहीं, हम कैसे चले जाएंगे। अच्छा तू एक बात बता, हम भी बहुत छोटे चोर हैं, बड़ा दूसरा है, दूसरा है बड़ा। हम आ रहे थे चले, बताओ किसी ने धक्का दे दिया हमें। नीचे को हमने देखा कोई रोड खींच के ले गया, फिर हमने सोचा एक आधा पैक ही मार लो। जब इतना काम हो गया, हमने देखा पैक वो कोई ठग ले गया। अरे मारे तो ज्यादा चोरी कर सको क्या मारे, हमने मच्छर आ गया है। मारे तो चोरी इन ज्यादा कर सकते तुम। अच्छा देखो मेरी इंसानियत, हमने फिर भी किसी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। अच्छा ऊपर तो चुपचाप चले आ रे, और तू अपना गया गया सॉरी बोल। अच्छा तुझे एक चीज और बताऊ, बहुत बढ़िया काम की बात है यार, कान उड़ीकुला मेरी बात सुन। वह जो जीप है ना, जीप जिस हम चलावे, मैं पटवाती नहीं चलाई, नहीं वही चलावे, मेरे पटवाती ही नहीं, वह भी मेरी ही नहीं है। हम नेताजी की चुराक लाए, इसे कहें चोरी। या कौन सी चोरी होगी, किसी ने धक्का दे दिया, कोई रोड खींच कर ले गया, कोई दारू छीन कर ले गया, या तो एक किस्म तब बदतमीजी होगी भाई साहब। सॉरी बोल, सॉरी बोल। हम हटने के नहीं, हम बहुत खराब हैं, और जो हटे उसकी माँ की जय हो। जा करके दिखा, जा मैं पीछा हटता नहीं। या फिर एक काम कर ले तू, सबसे बड़ी बात यो रहा है भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। एक काम कर ले तू कि ये बड़े को ला करते बुला कर, उससे हम बातचीत करेंगे। जो मेरे आगे अड़ा कैसे अरड़ कर सोच बोल जा, और हम उनकी भी कहेंगे तीनों की जिन्ना है, मैं एक ने धक्का दिया। हाँ समझ गया, देख कितनी बड़ी हरकत करी है। इससे बड़ी हरकत तो कोई हो ही नहीं सकती भाई साहब। टोपा भी लेके तैर के, ये मैं किसकी माँ को माँ कहूँ, तेरी माँ को? तेरी माँ होगी नहीं, हमें पता, जंगलों में होती नहीं माँ। भाई साहब देखो, समझ लो बात को, सॉरी बोल।
सॉरी बोल अन्य हम यही बैठे यहीं पढ़ेंगे, यहीं से हैं पढ़े यहाँ से। टोप्पा देख एक बार सुन ले, टोप्पा ला दे सुबह तक ढूंढ के मारा है। और तू सोच रहा हम सोने लग रहे, हम सोने नहीं लग रहे, हमारा हम तो बैठे। अरे क्या सोच रहा तू, सॉरी बोल। हे भगवान, ये कैसे बैठी है, कहीं ये रात वाली बात से नाराज तो नहीं? गुड मॉर्निंग। जरा मेरी तरफ घूमेंगे? और अब बताओगे जरा रात क्या बात थी? वो क्या? आप रात वाली बात से नाराज हैं क्या? नहीं तो? बेटा अजय, लगता है बात बन गई, ये तो तैयार है। अब तो मोटू को अकेले ही घर वापस जाना पड़ेगा। नाराज गैरों से हुआ जाता है, अपनों से नहीं। और फिर मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? तुम तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। और जब कभी दोस्त गलती करता है ना, तो उसे समझाया जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। क्या समझाने आई हो? यही कि हम आप पर कितना विश्वास करते हैं और वैभव भी आपको कितना मानते हैं, इसीलिए आप अपने मन में ऐसी कोई भी बात ना लाएं। आप समझ गए ना? और हाँ, वो आपका दोस्त कहाँ है? वो पता नहीं, वो रात से वापिस ही नहीं आया। अरे, आपका दोस्त लापता है और आप आराम से पड़े हो? चलो उठो, चल के उसे ढूंढते हैं। कोई जरूरत नहीं है, जब उसकी उतर जाएगी अपने आप वापस आ जाएगा। गधे का नाम लिया और गधा हाजिर। गधा नहीं होता वो, शैतान होता है वो। अरे हमें पता शैतान हो, पर तू तो गधा है। अरे विजय, हाँ? तुम कहाँ थे रात से? अजी क्या बताना, रात हमारी किसी से वार्तालाप होगी और वार्तालाप होगी घड़ी लंबी। डट गया वो और डट हम भी गए, ना वो पीछे हटे ना हम पीछे हटे। वार्तालाप होते होते सुबह होगी। अच्छा जी, मेरा बेटा इतना होशियार लिखड़ा, अपनी जगह पेड़ खड़ा करके भाग गया। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ना आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर कहीं घूमने चलते हैं। अरे वही रिवर व्यू जो आपने बताया था, तैयार हो जाओ। हाँ भाई, यार रात यही थी, कहीं तुमने इसका बैंड ट्यून तो नहीं कर दिया? मारो साले के थप्पड़, किसी शरीफ औरत के बारे में ऐसा सोचते हैं? कमाल है यार, कभी कुछ और कभी कुछ, कुछ पता ही नहीं लगता है? आप जैसा महान पुरुष जब किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकता, भला मैं कैसे सोच सकूं? आपके कुछ गुण तो आए होंगे मेरे अंदर, हैं? बुला के गई, चले मैं। हाँ। ओफो, इनकी तो बस फोनी फोन। वैभव, मैं अभी आती हूँ। हाँ अजय, चले। तुम लोग जाओ, मेरा आज मूड नहीं है। क्या है ये आपका मूड, जब मैं बोल रही हूँ चलो तो चलो ना। मैंने बोला ना मेरा मन नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई। विजय, चलना है कि नहीं? मेरा क्या है जी, मैं तो डब्बा हूँ, जहाँ इंजन वहाँ डब्बा। देखो अजय, मैं लास्ट बार कह रही हूँ, तुम्हें चलना है कि नहीं?
मैं जा रही हूँ। अगर तुम मुझे कुछ भी मानते हो ना तो तुम जरूर आओगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और हाँ, तुम ऐसे मुंह लटकाकर मत रखा करो, अच्छे नहीं लगते। तुम हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। कुछ तो जादू हुआ है गुरु, जोवा तेरी इतनी खुशामत कर रही और तू भाव खा रहा। ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, सुना नहीं क्या कह रही थी वाह। इसका रिजल्ट तो बहुत खतरनाक निकला भाई, चिप्स खाओगे गुरु? बछरी देखता जा। हाँ। अभी मैं क्या क्या खाता। हाँ। तू भी खा ले। हाँ, ये भी खा लो। ओ वाओ वैभव, देखो ना कितना प्यारा व्यू है। चलो ना वहां पे चलते हैं। वाओ वैभव, देखो ना सचमुच कितना प्यारा व्यू है ना। रियली बहुत अच्छा है। तो चलो ना वहाँ चलते हैं। मैं नहीं जा सकता वहाँ। अगर आप वहाँ नहीं जाओगे तो मैं वो सब कैसे देखूंगी, मुझे कौन दिखाएगा? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। वाह भाई, क्या शानदार जगह बताई आपने। इस जगह की असली ब्यूटी तो रिवर के पास जाकर है। आइए मैं लेकर चलता हूँ। अजय जी, मैं तो चल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पैरों में अभी भी दर्द है। आप निक्की को ले जाओ, इसका रिवर व्यू देखने का बहुत मन है। नहीं कोई बात नहीं, हम यहीं से देख लेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ से देखिए, हम तो नीचे जा रहे हैं। चलो चलो। और हाँ, फिर भी व्यू देखने का मन करे तो नीचे आ जाना, हम नीचे ही हैं। जब तुम्हारा रिवर साइड देखने का मन था तो चली क्यों नहीं उनके साथ? लेकिन आप क्यों नहीं चल रहे मेरे साथ? ओके, मैं ऑफिस में कुछ जरूरी कॉल करके आता हूँ। लेकिन आना जरूर। ओके। रुको अजय, मैं भी आ रही हूँ। वाओ, कितना प्यारा सीन है। और देखो इसका पानी कितना साफ है, कितनी खूबसूरत जगह है ना। हाँ, ये जगह बड़ी रोमांटिक है। हाँ सच में बहुत रोमांटिक है। पर देखो ना वैभव नहीं आए, काश वो भी होते तो कितना मजा आता। ये साली मोटे का नाम बीच में जरूर लेती है। मैं आपके फोटो खींचू? हाँ हाँ।
देखो अच्छे आ रहे हैं ना। अच्छे ना फोटो? हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं। ये वाला फोटो देखो। हाँ बहुत अच्छा फोटो है। तू ऊपर चला जाता भाई साहब के पास? मैं चला तो जाऊं, बैठा भी उनके धुरे, कई तरह से बात भी करके देख ली, मैं बात करने को राजी नहीं है। मतलब तू यहीं रहोगा जावे ना? मैं यहीं रह लूंगा, मेरे पे कौन सा जोड़ पड़े है? जा रहा हूँ क्यों जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ, मैं और रात बात करके देख लूंगा। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं, यहाँ क्या करूंगा भला, जा रहा हूँ मैं तो। एक वो भालू सा बैठा है वहां से, उसकी साथ जाकर झिंगाला लगा करूंगा मैं वहां, दिमाग खराब कर रखा। और नूनी पता, अगर मैंने इसके घर वालों को बता दिया तो इसका क्या हल करेंगे? अरे और बता दू अनू क्या मैं? हाँ, ऐसे ही थोड़ा ही डर जाऊंगा मैं इससे, मैं नहीं डरे करता हूं। अबे यार ये फिर आ गया, फिर पकाएगा। भाई साहब अभी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। बिजी? एक एक जोक सुन लो भाई साहब। अबे रुक जा यार, एक जोक सुन लो, आपका क्या चला जाएगा? थोड़ा सा बिजी हूँ मैं, कर लूंगा। फिर भी एक जोक सुन लो। क्यों परेशान कर रहा है यार? परेशान? अच्छा एक काम करो, अब की बार मैं तुम्हें इंग्लिश में जोक सुनाता हूँ। मुझे नहीं सुनना यार तेरा जोक। अच्छा तो संस्कृत में सुनो। देखो सुनो, क्या करूं तेरे संस्कृत सुन के, थोड़ा काम कर रहा हूं यार, प्लीज करने दे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं हेल्प करा दूंगा, उंगली तो मारनी है। आप हेल्प मत करो, मैं कर लूंगा अपना काम। अच्छा एक जोक सुन लो, उसमें कुछ नहीं जाने का। देखो सुनो, सटे साठे में समाचार रहती है, नहीं सटके सहज सट जैसा व्यवहार। नहीं सुनना आपका जोक। हाँ जी मुझे नहीं सुनना आपका जोक। हाँ जी पढ़ लाऊं? नहीं चाहिए यार, क्यों परेशान कर रहे हो? स्माइल नीचे लाऊंगा वहां जाओ। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे यार, नहीं चाहिए। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुम पागल हो क्या? अच्छा चलो अब काफी देर हो रही है, चलते हैं। ओहो अब आओ ना। मुझे अब गुस्सा आ रहा है, तो रुक जा तू अब। अच्छा भाई साहब मुझे मारो, पिटो, घसीटो, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, पर कुछ तो करो भाई। मुझे कुछ काम करने दे, बहुत जरूरी काम करना है मुझे। अच्छा भाई साहब इस बात पे काम की बात ध्यान आएगी, जो आपने ये मेरे दोस्त की साथ में अपनी घरवाली भेज रखी ना, बिल्कुल सही भेज रखी है, जो बहुत अच्छा लड़का है। सारी व्यूअर व्यू आज ही दिखा देगा, पेड़ पहाड़ पौधे छोटे छोटे फूल कलियां केचवे कद्दू दाने सारे दिखा देगा, और जो आप नहीं दिखा पाए ना वो सब चीज दिखा देगा। मेरे पापा का कॉल आ रहा है तो रुक जा। हेलो पापा जी नमस्ते। बेटा वहाँ सब ठीक है? हाँ हम दोनों ठीक है और काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। बाय। किसका फोन है? पापा जी का फोन है। लाइए मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ बेटा। हाँ पापा जी नमस्ते। खुश रहो। कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, अपनी बताओ। हाँ हम भी अच्छे हैं। और पापा जी मम्मी कैसी है? मम्मी जी बिल्कुल ठीक हैं, सारा टाइम तुम्हें ही याद करती रहती है कि बहू ऐसी है बहू वैसी है, सारा टाइम काम करती रहती है। अच्छा पापा जी मम्मी जी का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बेटा अपना ख्याल रखना। एंड थैंक यू आपने हमें इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। ठीक है बेटा मजे करो। ठीक है पापा जी। ओके बेटा। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। तो अब चलें? हाँ। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ वह
वैभव आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है जैसा हॉलिडे में चाहती थी ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। कितनी प्यारी जगह है ना ये जगह शानदार है अजय। अजय? अरे अजय की वजह से ही तो ये सब संभव हुआ है। उसी ने तो हमारे हॉलिडे को इतना फुल ऑफ एंजॉय किया है। सच्ची ही इज अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग पर्सन। पता है वो हर पल को एंजॉय करता है और कराता भी है। सच अ लाइव मैन। और मैं कैसा हूँ? ओ वैभव, आप रियली में कितने बोर हो। अच्छा वैभव, अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब मैं सोती हूँ। आज अजय ने ना मुझे बहुत थका दिया है। कितना फन करता है ना वो। और पता है उसने ना एक जगह और भी बताई है, कल वहाँ भी जाना है। मैं सोती हूँ, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। सो जाइए आप भी। चले गए ये लोग आज। फोन लगाती हूं। अरे किसका आएगा फोन? हाँ हेलो। हेलो। हाँ अजय, कहाँ हो तुम लोग? घर जा रहा हूँ। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई, अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएं? यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं है, और फिर तुम्हारे बिना मजा भी तो नहीं आएगा। तुम जल्दी से वापस आ जाओ बस। मैंने कल तुमसे कुछ कहा था, तुम जवाब नहीं दे रही हो। देखो पागल मत बनो, ये कोई बात है? तुम बस जल्दी से आ जाओ, हम वहीं जा रहे हैं, वहीं मिलना। मैं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं है। मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं आते हो। हेलो हेलो, काट दिया फोन। हक इतना जताती है, और जब काम की बात करता हूँ तो घुमा देती है। यार तू अच्छा नहीं कर रहा है। तो चुप रहोगे तो चुप करना पड़ेगा। तो चुप ही रहूं? मैं बोलू थोड़ा ही ना। देख ऐसा ना करे, तू हंसता हुआ बढ़िया लगा है। देख बता नहीं रही थी वाह। चले। हाँ चलो, पर वो लोग तो आ नहीं रहे।
क्या बात है, आज आप बड़े चुपचाप हो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। वैभव गाड़ी रोको, वो देखो अजय की गाड़ी। अच्छा क्या हुआ, तुम नहीं चल रहे हो? नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ यहाँ से कहीं चला जाऊँ। क्यों, क्या हो गया? मैंने तुमसे कोई बात कही, तुमने उसका जवाब नहीं दिया, अब मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा? तुम्हें तो मेरा जवाब पता है ना, फिर तुम क्यों जिद कर रहे हो? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे, और मुझे पता है तुम जरूर आओगे क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आऊंगा तो जरूर, आज तुम्हें अपना बना कर रहूंगा, उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। यार तू ठीक नहीं कर रहा, मेरी बात मानता क्यों नहीं है? क्या भौंक रहा है तू इतनी देर से? क्या कर रहा है अजय तू? क्या मतलब? भाई पहले हंसी मजाक तक तो ठीक था, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर आ गया। भाई हम दोनों छोटे मोटे चोर हैं, लेकिन ये बात तेरी सही नहीं है। तेरा दिमाग तो ठीक है, अपने काम से काम रख। आज मैं देखता हूं या तो निक्की मेरी है या किसी की भी नहीं। तेरा दिमाग खराब हो गया है यार, वो एक मैरिड लड़की है, उसका अपना परिवार है, उसका पति है, क्यों उसके घर में आग लगाना चाहता है? क्यों उसका बसा बसाया घर उजाड़ना चाहता है? मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं करने दूंगा। अरे वाह, तू तो महात्मा हो गया पहाड़ों पे आके, तूने तो भगवान ही पा लिया यहाँ। वाह वाह वा, क्या बात है, मुझे तो लगता है तेरा जमीन पे काम खत्म हो गया है, तूने तो दोस्ती का ही फर्ज अदा कर दिया। चल मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, मैं भी फर्ज अदा कर दूं। आ जरा नीचे आ। बहुत प्रवचन दे रहा है तू भाई, तू गलत समझ रहा है यार। कोई साधु महात्मा है तू भाई? मैं तो मेरे काम के बीच में जो आता है ना, मैं उसे बीच में से हटा दिया करता हूं। शुकर मना के तू मेरा दोस्त रहा है, वरना तेरी लाश यहीं पड़ी होती, और आज के बाद मेरे सामने मत आ जाना वरना जिंदा नहीं बचेगा। रुक जा मेरे दोस्त, किसी की जिंदगी खराब मत कर मेरे दोस्त, रुक जा। तू ये क्या कर रहा है मेरे दोस्त? तू एक अच्छा इंसान हो सकता है अगर तू चाहे तो, रुक जा मेरे दोस्त। क्या हुआ? आगे रास्ता बंद है।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आगे रास्ता बंद है। कहीं उसने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया होगा? चलो इधर उधर देखते हैं, कुछ होगा तो ठीक, नहीं तो वापस चल देंगे। और खुद आया भी तो नहीं, बैठा है गाड़ी में साहब बनके। अजय अच्छा किया कि तुम आ गए। आना तो था ही, तुम्हारा पीछा ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा। तुमने तो कहा था कि यहाँ बहुत शानदार नजारे हैं। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें भी तो दिखाओ कहाँ शानदार नजारे। जरूर जी जरूर दिखाऊंगा शानदार नजारे, आपको नहीं दिखाऊंगा तो किसको दिखाऊंगा। आज आपको ऐसे नजारे दिखाऊंगा कि आपने जीवन में ना देखे होंगे। अच्छा जी, इसका मतलब है आज कुछ खास दिखाने वाले हो आप। बिल्कुल, इतना खास कि आपके जीवन में ये दिन यादगार बनकर रह जाएगा। वाव, अब जल्दी दिखाओ, मैं बेचैन हूँ देखने के लिए। बेचैन तो मैं भी हूँ देखने के लिए, पर अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए थोड़ा दूर चलना पड़ेगा। पर कहाँ? आओ चलो। ठीक है। अरे वो तुम्हारा दोस्त आज विजय कहाँ है? वो आजकल महात्मा हो गया है, पहाड़ों पर चला गया है। क्या अजय तुम कुछ भी बोलते हो। वैभव आओ ना जल्दी जल्दी। तुम चलो, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। अरे मैं रुक जाती हूँ, आपके साथ चलूंगी, आप आ जाओ। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम चलो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ओके। कितना और चलना होगा हमें? कुछ खास देखना है तो मेहनत भी तो कुछ खास करनी होगी। अच्छा लगता है आज कुछ अजूबा ही दिखाने वाले हो। बिल्कुल आठवां अजूबा। अच्छा जी, लगता है बहुत सुंदर होगा। हाँ सुंदर तो है, पर आपसे सुंदर नहीं है।
क्या आजकल तुम ज्यादा ही शरारत करने लगे हो? इतना तो कभी वैभव भी वैभव नहीं आया अभी तक। अरे आ जाएंगे, उनके पैर में भी तो दर्द है। नहीं नहीं रुक जाओ, मैं उन्हें देख के आती हूँ। अरे आ जाएंगे, कोई ऐसी आफत थोड़ी है। नहीं नहीं मैं उनके अच्छा, लिए अच्छा रुको मैं जाता। ओके ओके अजय तुम निकी का है? हाँ उसने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। अच्छा बुला रही होगी। उसने कहा तुम वापिस चले जाओ, वो मेरे साथ खुश है और बाकी का जीवन भी मेरे साथ बिताना चाहती है। क्या बकवास कर रहा है तू, कहाँ है वो? देखो वो खुद सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए ये कहने के लिए उसने मुझे भेजा है। बहुत कमीने इंसान हो तुम। देखो मोटे भाई मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम बेवजह आग बबूला हो रहे हो। जाओ वापिस जाओ। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, अपना भाई समझा। यार समझा तो अच्छी बात है ना, मैं भी तो भाईचारे में ही समझा रहा हूँ। जाओ वापिस जाओ साले कमीने। मैं समझा रहा था ना, अब लग गया ना चाकू, दर्द हो रहा होगा बहुत है। मानेंगे ना, अब देखो कितना खून बह रहा है। तुम तो यार पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, तुम्हें करना चाहिए ऐसा कोई। बताओ अब मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा है। उधर निकी मेरा वेट कर रही होगी। ठीक है मैं चलता हूँ, देखो अपना ख्याल रखना है, बाय टेक केयर। ऐसा थोड़ी करना चाहिए था इसको पागल, अब लग गया ना चाकू पे। अजय वैभव कहाँ रह गए? वो तो उनका तो ऑफिस से कोई फोन आया हुआ है, उसमें लगे हुए हैं, कह रहे हैं जब तक मैं इसको निपटाता हूँ तुम होकर आओ। ये भी ना अजीब इंसान है, जब इनको पता है हम घूमने आए हुए हैं तो यहाँ भी अपने बिजनेस में बिजी हैं। मैं कॉल करती हूँ। अरे इसमें तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। जब यहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा है तो वो कैसे कॉल कर रहे हैं? अरे पहाड़ों का मामला है, यहाँ नेटवर्क है तो वहाँ नहीं है, ऐसा होता है यहाँ। अच्छा पर मुझे ना इनकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब इनको पता है कि हम घूमने आए हुए हैं तो इनको मेरे साथ होना चाहिए ना, लेकिन नहीं अब भी बिजी हैं। लेकिन एक बात है, बहुत अच्छे इंसान है वैभव बाबू। अच्छा अगर तुम्हारी बीवी होती तो तुम भी ऐसा ही करते? कभी नहीं, मैं तो हर पल उसको अपनी आंखों के सामने रखता, और खास तौर से तुम होती तो बिल्कुल भी एक सेकंड भी आंखों से ओझल ना होने देता। जो तुम चाहती वो काम मैं करता। वाओ हाउ रोमांटिक यू आर। चले चल। अजय निक्की, अजय निक्की तुम ठीक हो ना? अजय अजय मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे मुझे जल्दी लेके चलो यहाँ से। मेरे अच्छे दोस्त हो अजय, मुझे अभी जाना है, मुझे लेके चलो। हाँ जरूर चलेंगे। तुम कितने केयरिंग हो अजय। निक्की मैं केयर पूरी लाइफ करना चाहूँ। और हम भी चाहते हैं कि तुम पूरी लाइफ हमारे दोस्त बन के रहो। मैं दोस्त बन के केयर नहीं करना। तो क्या? I love you निक्की। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ निक्की I love you, बहुत चाहता हूँ मैं तुम। अजय पागल हो गए तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और मेरे जीवन में सिर्फ वैभव हो सकते हैं और कोई नहीं। मुझे पता है तुम मुझे प्यार करती हो पर कहने से डर रही हो। बकवास बंद करो, मुझे अभी वैभव के पास जाना है। उस मोटे का नाम ले रही हो बार बार में, क्या कर सकता है वो तुम्हारे लिए और क्या दिया है उसने तुम्हें? हैं? कहीं तुम्हारे साथ आ जा नहीं सकता, उठ बैठ नहीं सकता, हंस बोल नहीं सकता, और हाँ जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए लड़ भी नहीं सकता। साला डायबिटीज की बीमारी। चुप हो जाओ, बात मत करो मुझसे। ऐसी गंदी सोच रखते हो तुम हमारे बारे में। तुम प्यार को गंदी सोच कह रही हो? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। प्यार नहीं है ये, वासना है वासना।
तुम इसे प्यार कहते हो? वैभव तुम कहो? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? मैंने उसे बोल दिया कि निक्की मेरे साथ खुश है, तंग आ चुकी है वो तुमसे, अब मैं उसे वो जीवन दूंगा जिसकी उसे जरूरत है। नहीं, तुम बहुत बड़े कमीने हो, आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आया है। छोड़ो मुझे। देखो ज्यादा जोर मत लगाओ, तुम्हारी कलाई मुड़ जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, ज्यादा जोर मत लगाओ, तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, नफरत हो गई है तुमसे, छोड़ो। वैभव तुम आ गए? वैभव ये खून कैसा है? मुझे इस कमीने ने चाकू मारा है निक्की। तुम घबराओ मत निक्की, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब क्या होगा वैभव? अब तो हीरो आ गया है और विलन को मारेगा और हीरोइन को बचा कर ले जाएगा। ये मोटा बचाएगा तुझे, जो साला अपना खुद का बोझ नहीं उठा सकता। मुझे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, इस मोटू को बोल दो हमें छोड़कर चला जाए। तुम छोड़ दो हमें, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दो हमें। कैसे जाने दूँ? प्यार करता हूँ मैं तुमसे। की, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं वैभव, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। निक्की, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं वैभव, चली जाओ यहाँ से। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरी बात मानो तो यहाँ से चली जाओ। साले खुद तो उसे खुश रख नहीं सकता, और जहां से खुशी मिल रही है वहां से भगा रहा है उसे। निक्की तुम मान क्यों नहीं रही हो? बेकार में इतनी जिद कर रही हो। देखो तुम्हारी जिद के कारण उस बेचारे को भी इतनी चोट लग गई है। छोड़ दो हमें, क्यों तुम हमारे पीछे पड़े हो? तुमने एक सीधे साधे इंसान की जिंदगी तबाह की है। वो सीधा साधा है, जमीन पर बोझ है वो साला, मर जाएगा इन पहाड़ों में, ऐसा कर दिया है मैंने उसे। बे साले गेंडे, तू यहाँ तक कैसे पहुँच गया? तुझे तो वहीं मर जाना चाहिए था पहाड़ों में। मारना और बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में है, कम से कम अपनी बीवी के लिए लड़ तो सकता हूँ। अच्छा, तू लड़ेगा अब मुझसे? लग जाएगा तुम्हें। तुम रो क्यों रही हो? वो थाई बोझ, उसने तुम्हें
दिया ही क्या है? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। दूर रहो मुझसे, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। क्या बात कर रही हो, आज से तो तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हुई है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? I love you. नफरत करती हो मैं तुमसे, नफरत। झूठ बोलती हो तुम, प्यार करती हो मुझे। जरा मेरे पास तो आओ। मेरे पास मत आओ, चाकू मार दूंगी तुमको मैं, चाकू मार दूंगी मैं। तुम मुझे चाकू मारो, तुम मुझे चाकू नहीं मार, बस दिखावा कर रही हो मुझसे, तुम्हें मुझसे अंदर से प्यार। किसी गलत कमी में मत रहना तुम। तुम मुझे कैसे मार सकते? तुम्हारे जीवन में दो ही आदमी, एक मर चुका है और एक मैं। सोचो, वैभव मर चुका है और अगर तुम मुझे भी मार दोगी तो तुम जीवन किसके साथ बिताओगी? है दुनिया में सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हें सारी खुशियाँ दे सकता है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशियाँ, नहीं चाहिए। देखो तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज अब शांत शांत हो जाओ। मैं कहती हूँ दूर हो जाओ मुझसे। अब शांत हो जाओ। है देखो, आज से हमारे एक नई जीवन की शुरुआत हो गई है। तुम मुझे कितना प्यार करती हो, ये मैंने तुम्हें आपके पर दी थी। मैं जानता था कि मेरे में और वैभव में अगर तुम्हें कोई चुनना पड़ा तो मुझे ही चुनोगी। मार दिया ना, है? अब क्या फायदा होगा, है? इसके साथ जीवन बिताओगी तुम? कैसे इस जंगल से निकलोगी? तुम्हें तो रास्ता भी नहीं पता है, पागल हो तुम? बोलो क्या करोगी, है? चलो मैं तुम्हें जंगल से बाहर छोड़ देता हूँ, है? तुम्हें आज क्या हो गया है? बहुत चाहता हूँ मैं। I love you. नहीं। वैभव, तुम जिंदा हो? पता मैं कितना घबरा गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था मेरा। Ah.